एंड वेलकम टू गेट एक्सलेंस। मैं हूं बीके सिंह और आज की इस एंटीना के वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटीना पैरामीटर्स। तो एंटीना के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हमने पहले वीडियो के अंदर ये देखा था कि एंटीना की डेफिनेशन क्या होती है, उसके अंदर कुछ हमने देखे थे कि रेडिएशन पैटर्न कैसे जनरेट होता है और उसके हमने डायग्रामेटिकल व्यू देखा था, यानी कि रेडिएशन पैटर्न भी देखा था। तो अभी हम इसके अंदर देखेंगे कि रेडिएशन पैटर्न, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं रेडिएशन पैटर्न क्या होते हैं और रेडिएशन पैटर्न के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो टॉपिक से मेरा मतलब है कि रेडिएशन पैटर्न जो एंटीना होता है वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा कि एंटीना कैसे बिहेव करेगा, यानी एंटीना का एफिशिएंसी क्या है और उस हिसाब से एंटीना कौन से एप्लीकेशंस में कहाँ यूज़ आएगा। तो चलिए जो एंटीना पैरामीटर्स हैं वो देख लेते हैं। तो एंटीना पैरामीटर्स के अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है रेडिएशन पैटर्न, यानी अगर मैं कोई भी एंटीना डिज़ाइन कर रहा हूँ तो वेदर दैट एंटीना इज़ डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल है या ओमनी डायरेक्शनल है। तो डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्टिविटी ऑफ द एंटीना कि रेडिएशन पैटर्न किस डायरेक्शन में अपनी रेडिएशन को ज़्यादा ट्रांसमिट कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्शनल एंटीना। उस हिसाब से हम देखेंगे कि अगर ऑल अराउंड रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बोलते हैं ओमनी डायरेक्शनल, और अगर हम आइसोट्रोपिक की बात करें तो उसको हम हाइपोथेटिकल एंटीना मानते हैं जिसकी जो रेडिएशन है वो ऑल अराउंड द एंटीना होता है। यानी कि अगर मैं हाइपोथेटिकल एंटीना लेता हूँ, सपोज़ हाइपोथेटिकल एंटीना जनरली हम डॉट से कंसिडर करते हैं कि ऐसा कोई एंटीना एग्जिस्टिंग नहीं होता, तो इसका रेडिएशन पैटर्न ऑल अराउंड द पॉइंट, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं है, ई और एच दोनों प्लेन के अंदर हमारा रेडिएशन पैटर्न है, तो इस टाइप का उसका रेडिएशन पैटर्न बनता है। अभी हम देखेंगे आगे इस वीडियो में कि रेडिएशन पैटर्न कैसे बनता है पॉइंट सोर्स का या आइसोट्रोपिक एंटीना का। नेक्स्ट देखते हैं रेडिएशन इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट पैरामीटर है रेडिएशन इंटेंसिटी का। तो इसको हम फॉर्मूला से देखेंगे कि रेडिएशन इंटेंसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंटीना के अंदर। फिर आता है डायरेक्टिविटी एंड गेन। डायरेक्टिविटी का मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेडिएशन पैटर्न है तो उसका डायरेक्टिविटी कितना है, यानी कि हम कितने बीम को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट कर पा रहे हैं। डायरेक्ट करने का मतलब ट्रांसमिट कर पा रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन से, तो ये चीज़ देखेंगे। प्लस हम देखेंगे एंटीना का गेन, उसके अलावा रेडिएशन एफिशिएंसी एंड पावर गेन भी देखेंगे, उसके बाद इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एंटीना क्या होता है, फिर इफेक्टिव लेंथ, उसके बाद बैंडविथ। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये डिपेंड करता है, हमारा जो फ्रिक्वेंसी है एंटीना का वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट वेवलेंथ हमारी बैंडविथ क्या होगी, और उसके बाद हमारा जो एक्चुअल एंटीना है उसका इफेक्टिव अपर्चर एरिया कितना है। तो भले ही एंटीना कितने साइज़ का हो बट एक्चुअली में जो इफेक्टिव अपर्चर एरिया है उतना एरिया ही हमारा यूज़फुल होता है, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे कि इफेक्टिव अपर्चर एरिया क्या होता है या इफेक्टिव अपर्चर ऑफ एन एंटीना क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। फिर पोलराइजेशन ऑफ एंटीना देखेंगे। तो ये सारे हुए एंटीना के पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एंटीना हमारे कितना यूज़फुल है या किस पर्पस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं और किस एप्लीकेशंस में हम इसको लगा सकते हैं। तो चलिए जो नेक्स्ट देखते हैं एंटीना पैरामीटर्स के अंदर ही कि सबसे पहले आइसोट्रोपिक रेडिएटर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि नाम है आइसोट्रोपिक रेडिएटर्स, एंटीना डज नॉट रेडिएट इन, अगर जनरल एंटीना की बात करें तो जनरल एंटीना होता है वो रेडिएट नहीं करता यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, यानी हम नॉर्मल एंटीना की बात करें तो यूनिफॉर्मली सारे डायरेक्शन में वो रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करता, यानी किसी न किसी डायरेक्शन में वो ज़्यादा करेगा और किसी किसी डायरेक्शन में कम करेगा, तो उसे हम डायरेक्शनल एंटीना बोलते हैं। तो एज अ रेफरेंस हम आइसोट्रोपिक रेडिएटर को एज अ रेफरेंस मानते हैं और इसी से सारा कैलकुलेशन करते हैं, यानी रेडिएशन पैटर्न हम आइडेंटिफाई करते हैं वेदर द एंटीना इज रेडिएशन पैटर्न इज डायरेक्शनल और नॉट। तो देखिए फॉर द सेक ऑफ अ रेफरेंस वी कंसिडर अ हाइपोथेटिकल एंटीना कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक रेडिएटर। तो ये एक हाइपोथेटिकल एंटीना है जिसको हम आइसोट्रोपिकल रेडिएटर बोलते हैं, जिसकी जो रेडिएशन है हैविंग इक्वल रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन। तो ऐसा एंटीना वही होता है जो हमारा
रेडिएशन पैटर्न है वो ऑल डायरेक्शन में रेडिएट करे। ये सिर्फ एक प्लेन में नहीं है, अगर ये मैं ई प्लेन मानता हूँ तो ये एच प्लेन में इस टाइप से, तो यानी कि हमारा पूरा का पूरा एक स्फेरिकल टाइप इस टाइप का रेडिएशन पैटर्न बनता है। स्फेरिकल टाइप जिसके अंदर रेडिएशन पैटर्न पूरा का पूरा ऑल अराउंड द पॉइंट सोर्स क्या करेगा, ये जनरेट करेगा। तो ये ऑल अराउंड, जैसे सेंटर में कुछ रखा तो ये ऑल अराउंड, लाइक अ बल्ब, अगर मैंने यहाँ पे बल्ब रख दिया बट बल्ब के नीचे भी हमारा डार्क रीजन होता है, बट अगर पॉइंट सोर्स मानते हैं तो ये पूरा यूनिफॉर्मली रेडिएट करेगा ऑल डायरेक्शंस में, तो इसे हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक एंटीना। और जो भी एंटीना का कंपैरिजन करते हैं वो इस रेडिएशन पैटर्न से ही कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड या हम इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल एंटीना है जिसकी रेडिएशन पैटर्न सारे रीजन में यानी कि ऑल अराउंड ये रेडिएट करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटीना है जो हमें रेफरेंस के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं, और इसी से हम बता सकते हैं कि इसी रेफरेंस पॉइंट से कि अगर हमारा एंटीना डायरेक्टिव है या नहीं है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं डायरेक्शनल एंटीना। तो डायरेक्शनल एंटीना नाम से पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये क्या करेगा, इंटेंसिटी या रेडिएशन पैटर्न को ट्रांसमिट या फिर रिसीव करेगा। तो यहाँ पर देखिए, अ डायरेक्शनल एंटीना इज वन विच कैन रेडिएट और रिसीव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोर इफेक्टिवली इन सम डायरेक्शन देन अदर। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा करेगा और एक दूसरे डायरेक्शन में कम करेगा, तो उसे बोल देते हैं हम डायरेक्शनल एंटीना। तो अगर मैं बात करूं एंटीना की, अगर एक हमारे पास इस टाइप का रेडिएशन पैटर्न जनरेट हो रहा हो, तो ये आप बता सकते हैं कि जो रेडिएशन पैटर्न है ये वाला वो इस डायरेक्शन में ज़्यादा है और इस डायरेक्शन में कम है। तो इस डायरेक्शन में ज़्यादा है मतलब डायरेक्टिव एंटीना है, किस डायरेक्शन के लिए, इस डायरेक्शन के लिए। तो इस डायरेक्शन से अगर मैं रेडिएशन को रिसीव कर रहा हूँ तो ये इजीली रिसीव करेगा, और इस डायरेक्शन से अगर मैं रिसीव कर रहा हूँ तो ये हमारा माइनर या माइनर लोब होगा जिसके अंदर रेडिएशन इंटेंसिटी काफ़ी कम होगी। तो आप देखिएगा कि इस टाइप के एंटीना को हम डायरेक्शनल एंटीना बोलते हैं, डायरेक्शनल एंटीना। ये जस्ट समझाने के लिए है क्योंकि रेडिएशन पैटर्न इस टाइम पे मैक्सिमम है इस साइड में और इस डायरेक्शन में मिनिमम है। तो डायरेक्शनल एंटीना में हम चाहते हैं कि जो मिनिमम डायरेक्शन मिनिमम साइड हो, यानी रेडिएशन मिनिमम डायरेक्शन में वो ज़ीरो हो, ताकि हम एक ही डायरेक्शन से सिग्नल को रिसीव कर पाएँ या फिर एक ही डायरेक्शन में सिग्नल को ट्रांसमिट कर पाएँ। तो इसलिए हम इसका नाम देते हैं डायरेक्शनल एंटीना। और कंपैरिजन किससे करते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं आइसोट्रोपिक एंटीना से कि ये क्या कर रहा है, ऑल डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है, और ऑल डायरेक्शन में रेडिएट करने का जो कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे देखिए ये ऑल डायरेक्शन में और ये सिर्फ एक डायरेक्शन की तरफ, तो इसे बोलते हैं डायरेक्टिव एंटीना या डायरेक्शनल एंटीना, और ये हमारा आइसोट्रोपिक एंटीना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं डायरेक्शनल एंटीना को डिवाइड या डिसाइड कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारा रेडिएशन पैटर्न ज़्यादा ट्रांसमिट या फिर रिसीव हो रहा है। अब रेडिएशन पैटर्न में ये देखते हैं द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएटेड पावर एज अ फंक्शन ऑफ डायरेक्शनल स्पेस। तो यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने अभी बनाया था, तो ये रेडिएशन पैटर्न है, रेडिएशन पैटर्न के अंदर कुछ चीज़ें मार्क की हुई हैं, ये हमारा सेंटर है जिसके अंदर ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और इसके साथ साथ देखिएगा ये हमारे पास एक लोब है, इसको हम बोलते हैं रेडिएशन पैटर्न लोब, और ये हमारा मेजर लोब बोलते हैं जिस डायरेक्शन पे हमारा एंटीना डायरेक्टिव होगा, यानी जिस डायरेक्शन में हमारा रेडिएशन पैटर्न ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकता है या पर्टिकुलर डायरेक्शन से रेडिएशन पैटर्न को रिसीव कर सकता है, तो इसे बोलते हैं लोब। और इसी के साथ कुछ माइनर लोब भी जनरेट होंगे, तो माइनर लोब को हम नाम दे देते हैं साइड लोब बोलते हैं इसको, कि मेन लोब के अलावा जो रेडिएशन पैटर्न जनरेट हो रहा है उसे हम बोल देते हैं साइड लोब। तो साइड लोब की भी अलग अलग नेमिंग होती है। साइड लोब का मतलब हुआ कि यहाँ पे देखिए, इसको बोल देते हैं हम साइड लोब, उसी तरीके से इसको भी बोलेंगे साइड लोब, इसको भी बोलेंगे, लेकिन जस्ट इसके जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि
जो मेन लोब के जस्ट अपोजिट होगा उसे हम बोल देते हैं बैक लोब। तो जस्ट नेमिंग है, मेन जो लोब है या मेजर लोब है उसके जस्ट अपोजिट साइड वाले रेडिएशन पैटर्न को हम बोलते हैं बैक लोब। और उसके अलावा हम साइड लोब बोलते हैं या फिर इसको माइनर लोब बोल सकते हैं। तो साइड लोब और माइनर लोब में क्या डिफरेंस है? साइड लोब जस्ट मेजर लोब के बगल में होगा और माइनर लोब उसके अलावा सारे होंगे, और जस्ट इसके जो बैक में होगा उसे हम बोलते हैं बैक लोब। तो इस तरीके से हम इसका नेमिंग करते हैं। तो इसमें देखिए, ये रेडिएशन पैटर्न ऑफ यानी सिंगल एंटीना है जिसके अंदर हमारे पास रेडिएशन पैटर्न इस टाइप का बन रहा है। अब इसके अंदर और कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे ये तो हमने देख लिया, ये हम इसको बोलते हैं मेजर लोब, और ये हमने माइनर लोब बोल दिया और बैक लोब बोल दिया। तो ये हमारे पास माइनर लोब है और ये बैक लोब है। इसी के साथ इसके अंदर दो टर्म और आता है, फर्स्ट आता है हाफ पावर बीम विड्थ और सेकेंड आता है फर्स्ट नल बीम विड्थ। तो ये हाफ पावर बीम विड्थ और फर्स्ट नल बीम विड्थ होता क्या है? तो जब भी रेडिएशन पैटर्न हम प्लॉट करते हैं किसी भी एंटीना का, तो रेडिएशन पैटर्न जब प्लॉट करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का पैटर्न आएगा, यानी एक मेजर लोब आएगा, उसके जस्ट बाद में साइड लोब आएगा। तो मेजर लोब और साइड लोब के बीच में जो पहली नल पॉइंट होगी, यानी कि पहला जो मिनिमम वैल्यू होगा या जीरो होगा इन टर्म्स ऑफ डीबी, उसे हम बोल देते हैं फर्स्ट नल। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखिए, तो इसका हम बोल देते हैं फर्स्ट नल बीम विड्थ। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये ब्लू वाला, ये हमारा फर्स्ट नल बीम विड्थ कहलाएगा। और मेजर लोब की मैक्सिमम इंटेंसिटी से अगर हम 3 dB डाउन ले जाते हैं, तो मैक्सिमम लोब की इंटेंसिटी से 3 dB डाउन गए और वहां पे जो दो पॉइंट आएगा हमारे पास, उसे हम बोलेंगे बीम विड्थ या हाफ पावर बीम विड्थ। तो ये हमारे पास हाफ पावर बीम विड्थ है और ये हमारे पास फर्स्ट नल बीम विड्थ। तो चलिए इसको मैं एग्जैक्ट बना के बताता हूँ आपको। अगर ये हमारे पास इस टाइप का एक्सेस हो, ये हमारे पास जेड एक्सेस, ये हमारे पास वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस। तो अगर मैं बनाऊँ इस टाइप से रेडिएशन पैटर्न, तो ये बन रहा है, ये हमारा रेडिएशन पैटर्न है, ये हमारे पास सेंटर है ओरिजिन, और यहाँ से इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं, ये हमारा मेजर लोब, हमने अभी देखा ही है, जस्ट ये वापस ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको हाफ पावर बीम विड्थ और बीम विड्थ ऑफ फर्स्ट नल बता सकूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास मेजर लोब है, अगर मैं यहाँ से लेके मैक्सिमम जो पॉइंट है वहाँ से अगर 3 dB डाउन जाता हूँ नीचे, तो 3 dB डाउन जैसे ही जाऊँगा नीचे, तो यहाँ से अगर मैं 3 dB डाउन नीचे जाता हूँ, तो सपोज ये वाला पॉइंट आ रहा है मेरे पास, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ और यहाँ से एक लाइन इसको टच करते हुए बनाता हूँ, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और इसको टच करते, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनेगा, ये हमारा होगा बीम विड्थ ऑफ दिस एंटीना या हाफ पावर बीम विड्थ। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HPBW से, तो इसको बोलते हैं हाफ पावर बीम विड्थ। तो ये हमारे पास हाफ पावर बीम विड्थ। अब बीम विड्थ ऑफ फर्स्ट नल क्या होता है? तो जैसे नाम है फर्स्ट नल, तो फर्स्ट नल जब आएगा, जब हम इसको डीबी में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, ये समझाने के लिए कि रेडिएशन पैटर्न में ये हमारा मेजर लोब है और मेजर लोब के जस्ट पहला लोब हमारे पास ये आ रहा है। तो इसको अगर मैं फर्स्ट लोब बोलूँ या फिर इसको बोलता हूँ फर्स्ट माइनर लोब बोलूँ, तो ये आएगा हमारे पास, इसके बीच की वैल्यू वो आएगी हमारी यहाँ पे नल पॉइंट। तो ये जो नल पॉइंट है, ये हमारे पास क्या आएगा, दैट इज बीम विड्थ ऑफ फर्स्ट नल। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट नल बीम विड्थ। जैसा कि नाम है फर्स्ट
नल बीम विड्थ कब आएगा, जब हमारे पास जो मेजर लोब के जस्ट बाद जो फर्स्ट पहली जीरो वैल्यू आएगी यानी 0 dB के अंदर, वो हमारी हो जाएगी फर्स्ट नल। तो इसको हम देख लेते हैं, अगर इसी को डीबी में प्लॉट करें तो डीबी में कैसा दिखेगा, तो डीबी यानी कि जस्ट कन्वर्जन है, तो कन्वर्जन के अंदर आप देखेगा इस टाइप से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली कि फर्स्ट नल बीम विड्थ क्या होता है। तो ये हमारे पास डीबी के अंदर है, ये हमारे पास रेडिएशन इंटेंसिटी है, ये रेडिएशन इंटेंसिटी और ये हमारे पास मेजर लोब था ही। तो यहाँ पे देखिए ये मेजर लोब जो हमने बनाया था ये वही मेजर लोब है, बस इसके अंदर डीबी में लिया हुआ है। तो ये मेजर लोब है, यहाँ से अगर 3 dB डाउन लेंगे तो ये हमारे पास ये दो पॉइंट आ रहे हैं, ये हमारे पास हाफ पावर बीम विड्थ है, हाफ पावर बीम विड्थ। और ये जो फर्स्ट नल वैल्यू आई है यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसे बोलते हैं फर्स्ट नल बीम विड्थ, यानी कि पहली नल जस्ट आफ्टर द मेजर लोब, तो इसे हमने बोल दिया फर्स्ट नल। इसको अगर मानते हैं तो ये आ जाएगा सेकंड नल, फिर थर्ड नल, बट हमें फर्स्ट नल बीम विड्थ बताना है तो इसलिए हमारे पास आएगा इसको फर्स्ट नल। बाकी आप मार्किंग जितने भी आप रेडिएशन पैटर्न जा रहे हैं उसको बता सकते हैं, जितना दूर जाएंगे उतना रेडिएशन इंटेंसिटी कम होती जाएगी, यानी ये पावर मिनिमाइज होती जाएगी और लास्ट में जाके जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। इसी में अगर हम साइड लोब की बात करें तो ये हमारे पास साइड लोब है और ये माइनर लोब भी बोलते हैं, तो इस हिसाब से हमारा साइड लोब और जो लास्ट आएगा वो हो जाएगा इस सब उसका बैक लोब। तो बैक लोब की इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू ऑल दीज लोब्स। तो चलिए इस टाइप से हम देख सकते हैं कि हाफ पावर बीम विड्थ और बीम विड्थ ऑफ फर्स्ट नल क्या होता है और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो चलिए माइनर लोब की अगर डेफिनेशन की बात करें तो माइनर लोब का डेफिनेशन ये कहता है कि एनी रेडिएशन लोब अदर देन द मेजर लोब, यानी इस लोब के अलावा जो भी है उसको हम माइनर लोब बोलते हैं। यूजुअली रिप्रेजेंट अ रेडिएशन इन अनडिजायर्ड डायरेक्शन एंड दे शुड बी मिनिमाइज, यानी कि ये सारे जो रेडिएशन हैं ये हमारे काम के नहीं है, ये सारे माइनर लोब हैं, तो इन सबको मिनिमाइज जितना कम से कम हो उतना अच्छा होगा फॉर डायरेक्शनल एंटीना। क्यों? क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा रेडिएशन पैटर्न रिसीव हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है तो हम चाहेंगे उसी डायरेक्शन में हमारा सारा रेडिएशन पैटर्न ट्रांसमिट या रिसीव हो। हम नहीं चाहेंगे कि इस डायरेक्शन में अगर डायरेक्टिव एंटीना तो इस डायरेक्शन में रखा हुआ है रिसीवर के लिए, तो इस डायरेक्शन से भी आ रहा हो, इस डायरेक्शन से भी आ रहा हो, पीछे से भी आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टिव एंटीना के अंदर हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मेजर लोब की इंटेंसिटी ज़्यादा हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम ट्रांसमिट या फिर रिसीव करना चाहते हैं सिग्नल को, और जो साइड लोब और माइनर लोब हैं वो मिनिमम से मिनिमम हो या ऑलमोस्ट ज़ीरो करें, ज़ीरो करने की कोशिश करें ताकि हमारा जो डायरेक्शन हो वो डायरेक्टिव एंटीना या फिर डायरेक्शनल एंटीना परफेक्टली वर्क करें। तो चलिए ये तो हमने देख लिया माइनर लोब का डेफिनेशन, अब देखते हैं साइड लोब। तो लोब्स रेडिएट्स इन अनवांटेड डायरेक्शन, यानी मेजर लोब के अलावा जो हमारे पास साइड लोब हैं वो अन डिजायर्ड डायरेक्शन है या फिर अनवांटेड डायरेक्शन से जो लोब्स बन रहे हैं। तो साइड लोब्स आर नॉर्मली द लार्जेस्ट ऑफ द माइनर लोब, तो माइनर लोब के अंदर जो सबसे मैक्सिमम हो इसको हम बोलते हैं साइड लोब। तो यानी कि अगर पहला रेडिएशन इंटेंसिटी मैक्सिमम है उसके जस्ट उससे थोड़ा सा कम इंटेंसिटी वाले को साइड लोब बोलते हैं, तो ये हमारे पास साइड लोब आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं इंटेंसिटी के टर्म्स में ये मैक्सिमम है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और बाकी सबको हम माइनर लोब्स बोलते हैं। अब उसी तरीके से बैक लोब, बैक लोब भी हमारे साइड लोब का ही पार्ट है, उसके अंदर आएगा द रेडिएशन लोब अपोजिट टू द मेन लोब, यानी मेन लोब के जस्ट अपोजिट वाले को हम बोलते हैं बैक लोब। तो अगर हम पिछले केस में देखें तो ये हमारे जस्ट मेजर लोब था, मेजर लोब का जस्ट अपोजिट साइड देखें तो इसको हम बोल देते हैं बैक लोब। तो जस्ट नेमिंग है या रेडिएशन पैटर्न का जिसके अंदर हम मेजर लोब और माइनर लोब को और बैक लोब प्लस साइड लोब को हम आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं
ये जस्ट ब्लू लाइन में मैंने स्क्वायर किया, ये हमारे पास आ रहा है बैक लोब। क्यों? क्योंकि ये जस्ट जो मेन रेडिएशन पैटर्न के जस्ट अपोजिट है, तो मेन रेडिएशन पैटर्न को मेजर लोब बोलते हैं और जिसके जस्ट अपोजिट साइड को बैक लोब बोलते हैं। बाकी ये सारे हमने साइड लोब बताए, साइड लोब में भी जब फर्स्ट इंटेंसिटी आएगी मेजर लोब के जस्ट बाद उससे हम बोलेंगे साइड लोब, और उसके अलावा हम सबको बोलेंगे माइनर लोब। तो ये जस्ट डेफिनेशन था मेजर लोब माइनर लोब और रेडिएशन पैटर्न कैसे होता है, उसके अंदर हाफ पावर बीम विड्थ क्या होता है, बीम विड्थ ऑफ फर्स्ट नल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम देखते हैं कि जो एंटीना पैटर्न्स हैं वो एंटीना पैटर्न एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं। जो अभी हमने देखा कि आइसोट्रोपिक रेडिएटर सारे डायरेक्शन में रेडिएट करते हैं, फिर डायरेक्शनल एंटीना पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेडिएट करते हैं, तो उसको अगर हम एग्जैक्टली देखें कि कैसा दिखता है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका डायग्राम देखेंगे तीनों का, कि तीनों के अंदर जो रेडिएशन पैटर्न है वो एग्जैक्टली कैसा दिखता है। तो आइसोट्रोपिक रेडिएटर हमने अभी जस्ट देखा था डेफिनेशन, ये हाइपोथेटिकल लॉसलेस एंटीना हैविंग इक्वल रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन। तो ये एक हाइपोथेटिकल एंटीना है, इसके अंदर लॉसेस हम अज्यूम करके चलते हैं कि जीरो, तभी हम इसको आइडियल एंटीना या फिर हाइपोथेटिकल एंटीना मानते हैं, जो कि हम एग्जैक्टली फिजिकली हम इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम इसको यूज लेते हैं। उसके बाद ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना या फिर रेडिएटर्स, एंटीना हैविंग एन एसेंशियली नॉन डायरेक्शनल पैटर्न इन अ गिवन प्लेन, अ डायरेक्शनल पैटर्न इन एनी ऑर्थोगोनल प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑर्थोगोनल प्लेन में या फिर किसी गिवन प्लेन में अगर सारे डायरेक्शन में ये रेडिएट कर रहा हो तो उसे हम बोलते हैं ओमनी डायरेक्शनल रेडिएटर। फिर आता है डायरेक्शनल रेडिएटर, इसमें इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें इन टर्म्स ऑफ एंटीना, तो बोला है एन एंटीना हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएटिंग और रिसीविंग मोर इफेक्टिवली इन सम डायरेक्शन देन द अदर। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा हो देन अदर डायरेक्शन, जो अभी हमने देखा, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस टाइप के रेडिएटर्स को या एंटीना को हम बोलते हैं डायरेक्शनल एंटीना या फिर डायरेक्शनल रेडिएटर्स। तो अब हम तीनों को एक साथ देखते हैं कि विजुअलाइजेशन कैसे होता है और रेडिएशन पैटर्न हम कैसे देख सकते हैं एक साथ। तो ये देखिए, इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइसोट्रोपिक ओमनी डायरेक्शनल एंड डायरेक्शनल एंटीना में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारा रेडिएशन पैटर्न बनाया हुआ है, रेडिएशन पैटर्न इन द सेंस, ये हमारे पास एक एंटीना है जो रेड कलर में यहाँ पे शो हुआ है, इसको हम हाइपोथेटिकल एंटीना मानते हैं या पॉइंट सोर्स एंटीना या पॉइंट एंटीना मान लिया हमने। तो इससे क्या हुआ कि जो रेडिएशन पैटर्न है वो ऑल अराउंड द स्पेस, यानी ई प्लेन एच प्लेन जिसको हम थीटा और फाई बोलते हैं, तो उस चारों डायरेक्शन में हमारा रेडिएशन पैटर्न जनरेट हो रहा है। जैसे अगर फुटबॉल मान ले, तो फुटबॉल के बीच में हमारे पास एंटीना है, तो और फुटबॉल उसका क्या हो जाएगा, रेडिएशन पैटर्न, यानी चारों तरफ। तो ये रहा हमारे पास रेडिएशन पैटर्न इन स्फेरिकल डायरेक्शन। अगर ओमनी डायरेक्शनल की बात करूँ, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ये हमारे पास एंटीना रखा हुआ, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये रेडिएशन पैटर्न या तो ई प्लेन या एच प्लेन में ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा रेडिएशन। तो अगर मैं एक डायरेक्शन की बात करूँ, तो ये हमारे पास सपोज ई प्लेन हो, तो ये पूरा का पूरा ई प्लेन में प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर एच प्लेन हो तो एच प्लेन में ये रेडिएशन पैटर्न ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है। तो ई प्लेन और एच प्लेन दोनों ऑर्थोगोनल होते हैं, तो ऑर्थोगोनल कंडीशन रख देंगे, तो आइदर ई और एच, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कौन से प्लेन में एंटीना रेडिएशन पैटर्न प्रोड्यूस कर रहा है, उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो एंटीना है वो ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है। तो इस टाइप से इसका पैटर्न आता है। सिमिलरली अगर अब हम डायरेक्शनल एंटीना की बात करें, तो हम देख ही चुके हैं डायरेक्शनल एंटीना का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेडिएशन पैटर्न मैक्सिमम ट्रांसमिट या फिर रिसीव करें। तो उसके लिए हमने देख चुके हैं कि ये हमारे पास इस टाइप का एंटीना था जिसके अंदर रेडिएशन पैटर्न, ये हमारे पास बैक में एंटीना बनाया हुआ है और ये उसका रेडिएशन पैटर्न है। तो ये हमारे पास मेजर लोब था, मेजर लोब के अलावा हमारे पास ये साइड लोब है, तो ये मेजर लोब है और बाकी सब साइड लोब है। तो देखिएगा मेजर लोब के अक्रॉस जो रेडिएशन इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी कि यहाँ से जो सिग्नल आएगा या सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा एज कम्पेयर टू
दीज डायरेक्शन, अगर इधर से कोई सिग्नल आता है तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्शनल एंटीना। तो ये विजुअलाइजेशन करके हम देख सकते हैं इजिली और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वे किस टाइप के एंटीना को हम ओमनीडायरेक्शन बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बोलते हैं या फिर डायरेक्शनल एंटीना बोलते हैं। तो ये तो था रेडिएशन पैटर्न ऑफ आइसोट्रोपिक ओमनी एंड डायरेक्शनल एंटीना। अब इसी का कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लेते हैं रेडिएशन पैटर्न का। तो रेडिएशन पैटर्न, जैसे हमने देखा कि रेडिएशन पैटर्न एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेडिएट करता है पावर को। तो अगर मैं फॉर आइसोट्रोपिक रेडिएटर की बात करूँ तो आइसोट्रोपिक रेडिएटर सारे डायरेक्शन में जो रेडिएशन है वो सारे डायरेक्शन में ट्रांसमिट करेगा। तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ कि इसका अगर मैं पावर कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए फॉर आइसोट्रोपिक रेडिएटर विच रेडिएट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, इसको हमने हाइपोथेटिकल माना है, तो उस हिसाब से द पावर डेंसिटी इक्वल्स टू, यानी जब हम पावर कैलकुलेट करेंगे आइसोट्रोपिक एंटीना का तो वो क्या होगा, दैट इज यूनिट वेक्टर ए आर इंटू डब्ल्यू नॉट। डब्ल्यू नॉट क्या है हमारे पास, पावर डेंसिटी। तो पावर डेंसिटी क्या होगा कि कितना रेडिएट हुआ पावर इंटू पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, 4πr², क्योंकि स्फेयर है, स्फेरिकल फॉर्म में हमारा क्या, और रेडिएशन पैटर्न जनरेट हो रहा है ऑल डायरेक्शन में, तो स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4πr². तो इस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा इसका जो W नॉट है, दैट इज ar इंटू पर यूनिट एरिया इंटू रेडिएटेड पावर अपॉन 4πr², जहाँ पे r क्या है हमारा, r इज रेडियस ऑफ द रेडिएशन पैटर्न। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम रेडिएशन इंटेंसिटी की बात करें, यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेडिएशन कितनी इंटेंसिटी से सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, यानी पैटर्न को ट्रांसमिट कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास आएगा द पावर रेडिएटेड फ्रॉम एंटीना पर यूनिट सॉलिड एंगल। पर यूनिट सॉलिड एंगल ये हमारे पास रिप्रेजेंटेड है यू थीटा एंड फाई से। अब पर यूनिट सॉलिड एंगल का मतलब क्या है कि सॉलिड एंगल हमेशा थ्री डायमेंशनल केस में लेते हैं, और अगर हम थीटा की बात करें, नॉर्मल एंगल की बात करें, तो एंगल हमारे पास इस टाइप से आता है, 2D प्लेन में हम एक्स और वाई के बीच में निकाल सकते हैं। बट हमारे पास जब थ्री डायमेंशनल में रेडिएशन पैटर्न होगा तभी हम उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन ही थ्री डायमेंशनल के लिए किया जाता है, तो इसको बोलते हैं पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो पावर रेडिएशन इंटेंसिटी की अगर बात करें तो पावर रेडिएटेड फ्रॉम एन एंटीना पर यूनिट सॉलिड एंगल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू थीटा और फाई से, दैट इज आर स्क्वायर अपॉन 2η इंटू ई आर थीटा एंड फाई। आर हमारे पास हो गया एक पॉइंटिंग वेक्टर की तरफ, किस डायरेक्शन में हमारा रेडिएशन इंटेंसिटी हम मेजर करना चाहते हैं। थीटा और फाई हो गया एंगल और फेज, यानी बोथ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो इस हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला है, और इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आर स्क्वायर 2η ई आर थीटा प्लस फाई स्क्वायर इंटू फाई। तो यानी कि थीटा डायरेक्शन में और फाई डायरेक्शन दोनों के अंदर हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आता है वो आता है रेडिएशन इंटेंसिटी। जहाँ से अगर मैं बात करूँ ई आर थीटा एंड फाई क्या है, फार जोन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन एंटीना, यानी कि एक पर्टिकुलर लॉन्ग डिस्टेंस से अगर मैं रेडिएशन इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई ई आर थीटा एंड फाई। अब उसी के अंदर ई थीटा और ई फाई क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉम्पोनेंट ऑफ द एंटीना। उसके बाद अगर हम नीटा की बात करें तो नीटा का रिप्रेजेंटेड है इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, जनरली हम एयर में ट्रांसमिट करते हैं, तो उस मीडियम का जो इम्पिडेंस है वो कितना है उस मीडियम का, जिस मीडियम में हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास नीटा है, और ये हमने देखी रखा है ये रेडिएशन इंटेंसिटी इन वॉट पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम रेडिएशन पैटर्न को और रेडिएशन इंटेंसिटी को दोनों को निकाल सकते हैं यूजिंग दीज फॉर्मूला। इसी के अंदर हम देखते हैं कि टोटल पावर कितना
रेडिएट होगा, तो टोटल पावर रेडिएट होने के लिए हमारे पास जो रेडिएशन इंटेंसिटी है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर द सरफेस। ओवर द सरफेस का मतलब क्या हुआ कि कितने डायरेक्शन में, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस पैटर्न की, तो अगर मुझे रेडिएशन पैटर्न निकालना है तो सपोज मैं एक पॉइंट पे निकाल लेता हूँ इस डायरेक्शन पे, और ये हमारा सॉलिड एंगल बन जाएगा। सॉलिड एंगल कैसे बनेगा, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल है, तो अगर मैं एक्सेस बनाऊंगा तो ये हमारे पास सॉलिड एंगल आएगा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो ये सॉलिड एंगल का रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको मुझे रेडिएशन पैटर्न निकालना हो तो उसके लिए रेडिएशन पैटर्न के लिए रेडिएशन इंटेंसिटी निकाली इस पॉइंट पे। अब उसके बाद मुझे पूरे सरफेस पे निकालना हो, यानी पूरे के पूरे स्फेरिकल फॉर्म पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऑल अराउंड। तो इंटीग्रेशन दिया हुआ है हमारे पास इस टाइप से कि इंटीग्रेशन ओवर द सॉलिड एंगल दैट इज ओमेगा, एंड ओमेगा की जो रेंज होगी वो थीटा और पाई की रेंज होगी। थीटा और पाई क्या होगा, थीटा जीरो से पाई होगा, और फेज की वैल्यू होगी जीरो से टू पाई इंटू यू साइन थीटा डी फाई। और यू हमारे पास क्या है, यू हमारे पास रेडिएशन इंटेंसिटी है। तो ये रेडिएशन इंटेंसिटी और सॉलिड एंगल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो साइन थीटा डी फाई के फॉर्म में। तो जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, जिसके अंदर हम अगर फाइंड आउट करना चाहें फॉर आइसोट्रोपिक एंटीना ओवर एंगल 4 पाई, तो हमारे पास क्या आएगा, आइसोट्रोपिक एंटीना के लिए जो रेडिएशन इंटेंसिटी है दैट इज गिवन बाय, रेडिएशन इंटेंसिटी इज गिवन बाय यू नॉट इनटू पावर रेडिएटेड अपॉन 4 पाई। 4 पाई क्या हमारे पास, एंटायर सॉलिड एंगल। तो एंटायर सॉलिड एंगल 4 पाई के ऊपर हमने अगर निकाला तो ये हमारा रेडिएशन इंटेंसिटी फॉर आइसोट्रोपिक एंटीना आ जाएगा। तो ये हमारे पास आइसोट्रोपिक एंटीना का रेडिएशन पैटर्न है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें देख ली जो एंटीना के पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। कुछ पैरामीटर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो इस वीडियो में अगर आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आ गए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एंटीना के पैरामीटर्स लेंगे और उन पैरामीटर्स को हम ड्राइव करेंगे, और उसके साथ साथ उसके पैटर्न्स भी देखेंगे कि पैटर्न पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।